हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्सम सॉल्यूशंस। ये हमारे एड्रेस दिए हुए हैं, आप इन पर आकर हमको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश में कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, डेफिनेटली आप हमको मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी एक छोटी सी आईडी दी हुई है हमने, टेलीग्राम आईडी, उस पर भी आप इंडिविजुअली सेंड कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको रिवर्ट हम जो आपका आंसर करेंगे। और ये आपके लिए बेसिकली जो आपका एग्जाम होने वाला है उससे पहले आपको कई बार डाउट वगैरह थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उस रिगार्डिंग हमने छोटी सी पहले स्टार्ट की है, तो आप उसमें अपना जो भी सॉल्व वगैरह करना है आपको डाउट, डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। अब बात करते हैं, आज देखो छोटा सा हमने 10-15 क्वेश्चंस हैं और इसका एक एमसीक्यूज़ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 5-5 मिनट का है, आप देख लेना, और 5-5 मिनट की मैंने वीडियो बना रखी है, तो थोड़ा सा आप देख लेना इनको और अच्छे से पढ़ लेना, और आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। मिसलेनियस से बहुत इंपॉर्टेंट है, फरवरी के अकॉर्डिंग हमने रख रखा है, ठीक है। अब देखें, हाल ही में संप्रीति 9 का आयोजन किया गया है मेघालय में, और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संप्रीति का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है, तो मेघालय इस ये भी हो सकता है क्वेश्चन। दूसरा, किन दो देशों के बीच में किया गया है, तो इसका आंसर ऑलरेडी टिक्ड है, भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो संप्रीति आपका 9 आपका कौन सा है, 9 एडिशन है। दूसरा, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, मेघालय में आयोजित हुआ है। और तीसरा ये कि किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अभी हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के विशेष सम्मान के रूप में सम्मानित किया गया, तो संजना कपूर। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता, रानी रामपाल, ठीक है। तो ये आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीआई द्वारा एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, देखो एमपीसी फुल फॉर्म आपसे आ सकती है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपका एसएससी में नहीं हो, डेफिनेटली आपके एसएससी में एग्जाम में ये चीज़ पूछी जा सकती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का सदस्य बनाया गया किसको, जनक राज को। हाल ही में किस जगह इंटरसेप्टर पोर्ट C-448 को कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया, वो मंगलूर। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध लेखक का निधन हुआ है, इनका नाम क्या है, तुषार कांजीलाल। अब देखो यहाँ पे आपसे यही पूछा जा सकता है कि तुषार कांजीलाल जो है वो किससे रिलेटेड हैं, तो वो रिलेटेड है, वो प्रसिद्ध लेखक हैं, तो आपसे इनमें ऑप्शन पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध लेखक हैं, फिल्मकार हैं, या फिर कुछ और हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो ये आप साहित्यकार हैं, तो इस तरह से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो तुषार कांजीलाल जो है वो प्रसिद्ध लेखक हैं, और ये अविचरी का क्वेश्चन है, आपसे केवल यही पूछा जाता है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रैफिक इंडेक्स है 2019 के मुताबिक विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा है, वो है बैंगलोर, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। हाल ही में इसमें देखो इंडेक्स की बात चल रही है, तो मैं इंडेक्स में बता देता हूँ आपको, और इसमें एक इंडेक्स आया है वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, और जो इंडिया की रैंक है वो कौन सी है, 84, और टॉप पर कौन है, वो है जापान, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है, वो है साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल किस में आई है, भाजपा पार्टी में आई है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय मूल की गीता सबरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में अपनी रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया, वो है थाईलैंड। तो थाईलैंड में ये रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त हुई है, कौन हुई है, गीता सबरवाल। तो आपसे यही पूछेगा, गीता सबरवाल को अभी ये नियुक्त किया गया है, तो किस देश में किया गया, वो थाईलैंड में किया गया। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में इंडियन रेलवे द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पहला संयंत्र लगा गया, वो है भुवनेश्वर। भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहाँ खोला गया, वो है यूपी। उत्तर प्रदेश में पहला एनिमल वॉर मेमोरियल वहाँ खोला गया। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तेलंगाना। तो देखो छोटा सा एक सेट था ये क्वेश्चन का, तो 3 से 4 मिनट का सेट है, कोई ज़्यादा बड़ा सेट नहीं है, 12 क्वेश्चन हैं इसमें, और 12 में से आपको देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं हमने, तो ये आपको डेफिनेटली इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो इन सबको, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो आपको मिल जाएंगे ऑलरेडी, और हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर प्लीज़ ऐड हो जाना, क्योंकि वहाँ जो नोटिफिकेशन है, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर हैं, आपको वहाँ 6 लैंग्वेज में आपको न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, 3 हिंदी के हैं और 3 जो है इंग्लिश के हैं, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो ओके गाइज, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।